अवैध तरीके से ईंट भट्टों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिले के ज्यादातर ईंट भट्टों को चलाने के लिए खनिज विभाग से अनुमति नहीं ली गई। वहीं खनिज विभाग के पास इन अवैध ईंट भट्टों पर कार्रवाई करने की फुर्सत तक नहीं। दरअसल ईंट भट्टे चलाने की अनुमति सिर्फ कुम्हार जाति के लोगों को ही दी जाती है, वहीं दूसरी जाति के लोगों को ईंट भट्टा चालू करने से पहले खनिज और पर्यावरण विभाग से अनुमति लेना जरूरी होता है। लेकिन जिले में नियम कायदों को ताक पर रखकर सैकड़ों ईंट भट्टे चल रहे हैं। बहरहाल जिला प्रशासन जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिला रहा है। अभी जांच की प्रक्रिया में है और उनका पर्यावरण क्लीयरेंस की भी प्रक्रिया में है। जैसे पर्यावरण क्लीयरेंस हो जाएगा तो स्वीकृत किया जाएगा। चल रहे हैं कुम्हार जाति के नगरी क्षेत्र में जो ईंट भट्टी का निर्माण हो रहा है अवैध रूप से हो रहा है, इसमें खनिज विभाग का मिलीभगत है, प्रशासन के मिलीभगत है। दूसरी में जंगलों में जो बन रहा है, यहाँ फॉरेस्ट विभाग भी मिलीभगत है, उनके कारण ही बन रहा है। ना फॉरेस्ट इसमें ध्यान दे रहा है, ना खनिज विभाग ध्यान दे रहा है।